वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली GK एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 के राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे आगे है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने हाल ही में किस पेमेंट ऐप का नया संस्करण जारी किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, भीम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, PV सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में वर्ष 2020 में होने वाले टूर्नामेंट द 100 के ड्राफ्ट में कौन सा खिलाड़ी बिकने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टैन वावरिंका को हराकर किस खिलाड़ी ने ATP टूर्नामेंट जीत लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, एंडी मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देश में पहला डिजिटल मॉल ऑफ एशिया लॉन्च किया जाएगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा कहते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट वच्छी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीप रेलवे कौन सी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये थी आज की क्यूज। इस क्यूज में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज के साथ, तब तक हंसते रहिए।